नहीं, जॉब जरूरी होती है क्या? हम अपने बच्चों को भी ऐसा ही बोलेंगे, इतने पढ़े लिखे हो गए जॉब क्यों नहीं करते हो? पेरेंट्स को बचपन से इसी काम को करते हुए देखा है, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको बस वो एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब पाना नहीं है। ब्रेकफास्ट में है दूध, आलू गोभी की सब्जी और चपातियाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज पूरा डे 19 डेली व्लॉगिंग का, और धीरे धीरे ना सारे दिन हो रहे हैं कंप्लीट। और मुझे लगा नहीं था शुरू में कि मैं कर पाऊंगी कंप्लीट, बट लग रहा है कि अब हो सकता है कि 30 डेज कंप्लीट हो जाए। तो आज का दिन शुरू करते हैं, लेट्स गो। हेलीकॉप्टर। मैं जा रही हूँ उसी खेत में जिस खेत में मैंने बादाम वाली वीडियो शूट की थी। आज जा रहे हैं घास लाने, मम्मी राहुल बड़े मम्मी पहले चले गए हैं और मैं अभी जा रही हूँ। आज लाएंगे घास, लेकिन मेरे पास आज गोबर काफ़ी भारी है, कल से भी भारी है आज वाला गोबर। यहाँ जो आपको सेब के पेड़ दिख रहे हैं ना, इसमें आजकल स्प्रे हुई हुई है, शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं पेड़, तो इसमें तो स्प्रे हो गई है। अभी हमें स्प्रे भी करने को है, अभी बहुत काम रहता है हमारा। तो ये पहुँची हूँ मैं खेत में, प्लस यहाँ पे हमने खुदाई भी की थी। बहुत भारी था भाई, थक भी गई। राहुल तो आगे बैठा है आंटी के घर पे। तो अब समय आ गया है आपको अपनी मेहनत दिखाने का। अब आपको दिखाते हैं हमारे बारले, जैसे उस टाइम बड़े हो गए। ये देखो, इन्हें छोटे छोटे उगे हैं अभी तो, पर टाइम के साथ बड़े भी हो जाएंगे। ये यहाँ रॉक्सी को भी धूप में निकाला है, और ये मुझे पहचानती नहीं, हमेशा भौंकती रहती है मेरे ऊपर। यहाँ देखो मम्मी और आंटी यहाँ बैठे हैं, ये अर्जुन भैया वहाँ पे देखो कटिंग कर रहे हैं। तो अभी आगे हम खेत में वापस, अब राहुल डालेगा खाद, मैं पीछे से करूंगी कवर। सी शेप की एक लाइन बनाई राहुल ने, फिर इसमें खाद डाली, और मुझे बस ये ऐसे कवर करनी है पीछे से। तो खाद यहाँ पे थोड़ी सी डालने को थी और वो डाल दी है, और हम फिनिश हो गए यहाँ से खाद डाल के भी। ये आ रहे हमारे राहुल ब्रो, राहुल भाई। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप मेरे रियल भाई हो। हाँ मैं रियल हूँ, पर लोगों को डाउट इसलिए आता होगा क्योंकि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, आपसे शक्ल नहीं मिलती होगी, तो क्या कर सकते हैं। चलो जी हाँ, ये मेरा रियल भाई है और ये मुझसे छोटा है। लगता है किसी राहुल को बोला ये वाला घास निकाल नीचे, अब देखो ये कैसे निकालेगा। 1 2 3 ओ पहुंचा दिया इसने नीचे, गिर गया एक तो। ए राहुल आगे शिफ्ट कर देना इसको, फिर ये गिर गया। उन्नीस तारीख को इस पेड़ को आजादी मिली थी घास से। बड़े बड़े वो आते थे इसमें, इसमें ना बहुत बड़े बड़े हमारे शक्कर पड़े बोलते थे, हमारे एप्रिकॉट की तरह होता है। एप्रिकॉट की एक वो है वैरायटी, पर बहुत बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े और बहुत मीठे होते थे इस वाले पेड़। वो जो है जो बीजे थे हमने उस वक्त खुदाई करके, अभी इतने बड़े हो गए हैं, अप्रैल मई तक आएंगे काटने के लिए। मैं तेरे को अपना सपना सुनाऊंगी ना, सच में नहीं, मेरा रिएक्शन सही ना। नहीं मैं ना झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने ना कल रात को एक सपना देखा था, उस सपने में ना मैं ड्राइविंग कर रही थी, और ना मैं इतनी अच्छी ड्राइविंग कर रही थी ना, राहुल भी नहीं था मेरे साथ, और मैं अकेले ही जा रही थी अपना रोड नहीं तक, उसमें जा रही थी मैं अकेले अकेले ही जाओ, और मैं जजमेंट नहीं हो रही थी कि गाड़ी कितनी काटनी है, पर फिर ना वो अच्छे से ही कट रही थी वैसे, पता तेरे को। जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हो फिर भी आप ये सब काम कर रहे हो, तो उनके लिए आपका क्या रिप्लाई है आप बताएंगे। मैं कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आप इतने पढ़े लिखे हो गए जॉब क्यों नहीं करते हो, और आप यही काम कंटिन्यू करोगे, तो उसमें आपको एजुकेशन का मतलब सबसे पहले तो जॉब नहीं है, एजुकेशन का मतलब होता है करेक्टर मेकिंग, ठीक है, जो हमारा चरित्र निर्माण मुझे लगता है हो चुका है, और यही हमारा पैशन है, यही हमारी जॉब है, यही काम कर रहे हैं हम, फ्रीलांसर है एक तरह से। राहुल भी मास्टर्स है, इसकी मास्टर्स ज्योग्राफी में है और मेरी मास्टर्स जूलॉजी में है,
तो जब कोई लोग बोलते हैं कि आप इतने पढ़े लिख के भी ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि यार पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होने के बाद ये सब काम भी नहीं कर सकते ना, तो आपकी पढ़ाई किस काम की है? अगर आप ये सोचते हो कि ये काम छोटा है और पढ़ाई करने के बाद आप कुछ बड़ा ही करोगे, तो आपकी सोच मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कमी है। कि जो ये काम हम करते हैं ना, हमने अपने पेरेंट्स को बचपन से इसी काम को करते हुए देखा है और हमने ये सब सीखा है उनसे, और पैशन भी है, क्योंकि हम इस काम करने में हमें ऐसा नहीं होता है कि यार क्यों कर रहे हैं, क्या है, हमें अच्छा लगता है। जय जवान जय किसान। और पहली बात ये कि पढ़ाई का मतलब, मैं पहले बोल भी चुका हूँ कि पढ़ाई का मतलब जॉब पाना नहीं, करेक्टर मेकिंग है, आपके विचारों का निर्माण करना। जैसे एक वो एक उच्च एक आदमी होता है, जैसे कौसे, अगर उसने कबूतर पढ़ा है ना, वो कौसे कमलेश या फिर कौसे कौआ, कुछ कौआ ऐसा नहीं पढ़ेगा, वो कौसे कबूतर ही पढ़ेगा। विचारों का निर्माण करना हर एक पहलू में, हर एक पहलू से सोचना, पॉजिटिव भी नेगेटिव्स भी, ये एजुकेशन का मतलब। सिर्फ जॉब पाना नहीं है, ये मेंटेलिटी अभी इस वाली जनरेशन में है, मुझे लगता है कि जो हमारे से आने वाली अगली जनरेशन होगी उसमें ये सब कुछ नहीं होगा। कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको बस वो काम करना चाहिए। मेरी दादी मेरे को हमेशा बोलते थे कि काम सीखना जरूरी है, बाद में उसकी जरूरत पड़े या नहीं पड़े, लेकिन अगर आपने काम सीख के रखा है ना, वो आपको कभी भी काम आ सकता है। तो रही बात पढ़ाई की, ऐसा नहीं है कि अब हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, हम यहीं पर, हम पढ़ाई भी करते हैं साथ में। आजकल हम घर आए हैं क्योंकि अदरवाइज मैं और राहुल शिमला में होते हैं, वहाँ पर हम स्टडीज़ ही करते हैं और वहाँ पे आजकल काफ़ी ठंड है, तो आजकल हम गांव आए हैं और इसी सीज़न में यहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सारे काम अभी होते हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में, तो ये सब काम करके हम चले जाते हैं, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई हम छोड़ने वाले नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अब हम पढ़ाई छोड़ के यही काम करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, जॉब के लिए भी ट्राई करेंगे। और ये सब है, मतलब अगर लोगों को ये लगता है कि आपने पढ़ाई की है और आप बड़े इंसान बन गए हो, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और इनकेस आगे जाके अगर जॉब नहीं भी होती है, पर हम कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही लेंगे, अपने जीवन के लिए जीने के लिए हम अपनी ओर से, अपनी ओर से जितना कुछ हमसे हो पाएगा ना, हम अपने लायक तो कुछ कर ही लेंगे। मम्मी, जॉब जरूरी होती है क्या? हाँ जरूरी, जरूरी भी है। अगर तुम्हारा काम, अगर तुम्हारे से काम नहीं होता, फिर जॉब तो करनी पड़ी। हम अपने बच्चों को भी ऐसा ही बोलेंगे, काम सीखो, काम सीखो, काम ही काम आएगा। पढ़ाई भी होती, पढ़ाई भी जरूरी है, काम भी सीख के रखो। ये तो ऐसा तो नहीं जाएगा काम की, भाई वेस्ट हो जाएगा, है ना? काम काम ही आएगा ना मम्मी, काम काम ही आएगा। सिखाया हमने, सिखाया हो तुम्हारे को बहुत काम, और कर ही देंगे तुम जैसे तैसे भी, गुजारा तो कर ही लेंगे ना अपना। बिल्कुल, अपना परिवार तो सभी पालेंगे। हाँ तो मम्मी को भरोसा है हमारे ऊपर कि हम कर लेंगे। और जॉब के लिए मम्मी ऐसा नहीं बोलते कि, मतलब एक चीज मुझे अपने घर वालों की अच्छी लगती है कि कभी ना प्रेशराइज नहीं करते, कि टेंशन नहीं देते कि भाई तुम ये करो ये करो ये करो। होता है ना कि एक प्रेशर मिलता है कई बार घर से, तो वो है नहीं यहाँ पे। मतलब मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़े मम्मी सारे काफी सपोर्ट करते हैं हर चीज के लिए, कि जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ है। और ये चीज मुझे अपने घर वालों की बहुत अच्छी लगती है। तो सूखा खास है यहाँ पे, ये ले जाएंगे, ये मेरे लिए, ये मम्मी के लिए, कितने दो दो तीन तीन ले जाएंगे ना, कोई सा भी उठा लूंगी मैं, ये हो चाहे ये हो। तो मैंने सिर पर टोपी लगा दिया ताकि मुझे कुमरे ना चुभे। चाहिए जिस दिन हमें कम घास लेके जाना होता है, उस दिन हम किल्टा लेके आते हैं। जैसे गोबर लाना था तो किल्टा के किल्टे में गोबर भी आ गया और घास भी चला जाएगा। जिस दिन ज्यादा घास ले जाना होगा, उस दिन सिर्फ रस्सी लेके आएंगे और रस्सी के साथ घास। और वहां देखो कितने सुंदर सुंदर बादल आए हैं, क्या बताओ, आपको कैसा लगता है काम करके गांव में? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। आंटी अगर याद होंगे आपको, हम दो साथ में गए थे एक बार नीरथ पैदल। अच्छा बिल्कुल। अभी हम लोग पहुंच गए वापस घर और अब सेकेंगे धूप और मजे से लेट जाएंगे। विश्रुत ना अभी सोया हुआ है, अभी उठेगा ना वो, तब सो के उठ के आ गया। पोंगू लाया पॉपकॉर्न, अब खाएंगे पॉपकॉर्न। निकाली एक नई गेम, नई तो नहीं मतलब बहुत पुरानी है, पर हम आज खेल रहे हैं। एक यस बाबू, करते लोगों के साथ नए नए रूल बना बना के। अब प्रीति का भी इंसाफ हो जाएगा, देखो प्रीति तुम्हारा इंसाफ भगवान करेगा अभी। आउट, अगर मैंने
बजे 4:15 और पापा भी आज एक बादाम मिलाए बिना मौसम का बादाम फिर से। कभी कभी ना बीच में पहले ही फ्लावरिंग हो जाती है कुछ एक में, जैसे एक दो फूल आ गए किसी पेड़ में और उसमें बादाम भी पहले ही लग जाते हैं, तो ये वो वाले बादाम होते हैं और फलते नहीं है, ये ऐसे ही होते हैं, गिर जाते हैं या फिर इसके अंदर जो है ना बादाम नहीं बनता पूरा। तो अभी तो सीजन नहीं है बादाम का, आएगा आगे कभी तब वो भी दिखाएंगे। देखते हैं जरा इसके अंदर से क्या निकलता है, पानी है इसके अंदर तो अभी। ये देखो ये बादाम अभी पूरा बना ही नहीं था, देखो इसके अंदर अभी पानी ही है, तो बादाम खुल गया ऐसा दिखता है। ये देखो हरा बादाम था ये भी। ये देखो ये भी पूरा बना ही नहीं था और ये बादाम ऐसा ही है, इसके अंदर बस पानी है अभी पूरी, इसकी जो ये वाला चीज़ है बादाम पूरा इसके अंदर बना ही नहीं था। तो अभी जलाया है मैंने हमाम और इसके साथ पापा ने कर दिए छोटी छोटी लकड़ियाँ यहाँ पे, तो ये डालेंगे इसमें। यहाँ कर रहे हैं विशुद्ध को तैयार, सॉक्स पहना के, शूज पहना के। विशुद्ध तैयार है, टोनी और लिली का हो गया है अंदर जाने का टाइम और बूढ़ी हो गई अब इसको तो पकड़ के ले जाना पड़ता है। लिली प्रीति बार्गेनिंग कर रही है। ये मम्मी 1000 रुपए जोड़ी है। भैया एक यहाँ पे और ये बोल रहे इसका रेट 4500। कहाँ जा रहे आप? प्रीति बुआ के घर। क्यों? चलो फिर प्रीति बुआ के घर। हाँ तो अभी मैं नहा के भी आ गई हूँ और विया और मैं जा रहे प्रीति के घर, क्योंकि दीदी और विश्रुत पहले चले गए वहाँ। विश्रुत ने क्या किया? विश्रुत ने सुसु किया, उसका पजामा लेके जा रहे हैं। पहुँच गई हूँ प्रीति के घर पे और स्पेशल यहाँ पे चाय पियेंगे, प्रीति पिलाएगी चाय, मैगी भी है। मैगी तो मैं खाती नहीं वैसे, फिर भी अगर है तो खा लेंगे। तो ये है चाय पार्टी, ये है मैगी और चाय प्रीति के यहाँ पे, मैगी अच्छी बनी है। तो रात हो गई है और मौसम बिल्कुल खराब हो गया, ये देखो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है। ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग अन्योंग क्लिक क्लिक करो पहले सबको, आपने नमस्ते नहीं की, नमस्ते हाय भी कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। काका कहाँ है? काका उठा भाई मेरे को। राहुल मेरे भाई और अच्छे से दिखाओ जरा भी अपनी डॉल, इधर को करो इसका फेस, ये देखो भाई ये विया की डॉल, कैमरा मैला है साफ कर लेते हैं, देखो कितना फर्क पड़ता है कैमरा साफ करने के बाद।